इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती और इस कहावत को चरितार्थ किया है कर्नाटक के एक बस कंडक्टर ने। दरअसल एक बस कंडक्टर ने दिन रात मेहनत करके यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास कर ली। गौरतलब है कि यूपीएससी के नतीजे जनवरी के पहले हफ्ते में घोषित हुए। 29 साल के मधु एनसी कर्नाटक के बीएमटीसी में बस कंडक्टर के तौर पर काम करते हैं। मधु ने 19 साल की उम्र में नौकरी शुरू कर दी थी और आर्थिक तंगी के कारण युवक ने काम करना तो शुरू कर दिया, लेकिन वो अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत करता रहा। मधु ने दिन रात मेहनत की और दिन में वो बस में लोगों की टिकट काटता तो रात को कम से कम 5 घंटे पढ़ाई करता। अब मधु को मेहनत का फल यूपीएससी के रिजल्ट के तौर पर मिल गया है। आपको बता दें कि मधु अपने परिवार में एकमात्र ऐसा शख्स है जो शिक्षित है और उसने राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री भी हासिल की है। मधु ने बताया कि मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें ये नहीं पता कि मैंने कौन सी परीक्षा पास की, लेकिन वो मेरे लिए बहुत खुश है। अब मधु को इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना होगा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि उसे एक पूर्व आईएएस अधिकारी इंटरव्यू के लिए अब कोचिंग दे रही है। तो दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की न्यूज और अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।